जादू जब अपना चक्कर चलाता है तो छोटा भी बड़ा बन जाता है, लेकिन झूठ चाहे जितना भी बड़ा क्यों ना हो, सच के सामने वो छोटा ही प्रतीत होता है। नहीं समझे तो चलिए महाराज विक्रमादित्य की इस कहानी को देखकर समझते हैं, क्योंकि जब आप देखोगे तो जानोगे और जानोगे तो समझोगे ना। धरती तक पहुँचते पहुँचते थोड़ा समय लग जाएगा, आप तब तक थोड़ा आराम कर लीजिए। मुझे ये पृथ्वी नहीं लग रही, हम किसी और ग्रह पर आ गए हैं। अब चलो पता तो करें कि हम हैं कहाँ। हे नदी, मुझ पर कृपा करो, अपने अंदर घुले हुए विष को भूलकर मुझे उस पार जाने दो। नहीं, जादूगरनी गुराला ने तुम्हें अपने सेनापति से विवाह के लिए चुना है, जब वो आदेश देंगी तभी मैं तुम्हें अपने पार जाने दूंगी, वरना इस पानी को छूते ही तुम नष्ट हो जाओगी। मेरा उस पार जाना जरूरी है, राजकुमार मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। बच्चो, बच्चो। ये क्या, कौन हो तुम? मुझे तो ये इसी ग्रह की वासी लग रही है महाराज। डरो मत, हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तुम कौन हो कन्या और ये जगह कौन सी है? छोड़ दो उसे, तुम मुझसे बात नहीं कर सकते। यज्ञ जादूगरनी गुराला की संपत्ति है। संपत्ति? भला कोई इंसान किसी की संपत्ति कैसे हो सकता है? अगर है तो समझो मैंने उसे आजाद कर दिया है। लेकिन अब तुम्हें अपने जीवन से हाथ धोने पड़ेंगे अजनबी, जादूगरनी छोड़ेगी नहीं तुम्हें। अच्छा तो जाओ लगा दो शिकायत जादूगरनी से। ये है महाराज विक्रमादित्य और मैं हूँ मुंजा। हम लोग पृथ्वी से आए हैं, गलती से हम इस ग्रह में प्रवेश कर गए। यहाँ के जीव जंतु बहुत ही अजीब हैं। पहले ऐसा नहीं था, इस ग्रह के प्राणी पहले मिलजुल कर एक साथ रहते थे, पर एक दिन आप ही की तरह किसी और ग्रह से एक जादूगरनी आई। सेना आक्रमण, विनाश कर दो इन सबका। सारे मनुष्य अब जहरीली नदी के उस पार ही रहते हैं और इस पार जादूगरनी का साम्राज्य है। मेरे पिता राजा के सेनापति हैं। उस राज के राजकुमार से मेरी शादी होने वाली थी, मगर कुछ दिनों पहले जादूगरनी ने मुझे नदी के उस पार से अगवा कर लिया।
मेरा यहाँ से भागना आवश्यक है, वरना जादूगरनी मेरी शादी मेंढकों के सेनापति से कर देगी और फिर मैं दोबारा कभी अपने राजकुमार से नहीं मिल पाऊंगी। इस जादुई आतंक का जल्द ही नाश करना होगा। गुराला का विनाश इतना आसान नहीं, वो बहुत मायावी है, लेकिन उसकी माया को समझने में राजकुमार आपकी मदद कर सकते हैं। तो राजकुमार को यहाँ ले आते हैं। पर कैसे? नदी का पानी जहरीला है, जो भी उसे छुएगा नष्ट हो जाएगा। मुझ पर ये पैंतरे काम नहीं करेंगे यज्ञ। लेकिन तुम राजकुमार को पहचानोगे कैसे? ये लो। रुक जाओ, अगर मेरे पानी को छुओगे तो नष्ट हो जाओगे। पकड़ 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 पकड़। ये है हमारे महाराज विक्रम। वक्त आ गया है इस अन्याय को खत्म करने का, और हमें आपकी मदद चाहिए राजकुमार। हम मिलकर ये जंग जीतेंगे महाराज। चलो मुंजा। जादूगरनी तक पहुंचने के लिए हमें उस किले को पार करना होगा। उसके लिए हमें उनसे लड़ना होगा। पर वो बहुत ताकतवर है महाराज। हो सकता है कि वो बहुत ताकतवर हो, लेकिन महाराज के सामने टिकना आसान नहीं। मुंजा चलो। जादूगरनी गुराला, सावधान, आज तेरे अन्याय का अंत होगा। हम अपने हाथों से तेरा विनाश करेंगे। ये क्या, एक मनुष्य की आवाज? इस ग्रह पर मनुष्य कैसे आया? सेनापति जाओ, उन्हें जिंदा या मुर्दा मेरे सामने लेकर आओ। जाओ।
करेगा काम। त्राहिमाम, त्राहिमाम। महाराज, यदि आप ना होते तो हमारे ग्रह को जीवन वापस नहीं मिल पाता। तो देखा आप लोगों ने कि बुराई कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, किसी भी ग्रह में क्यों ना हो, अंत में जीत सच्चाई की ही होती है। अब अगली कहानी में मुलाकात।